इमरान खान के इकतदार संभालते ही फनकारों में भी खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने भी बहुत सी तवक्कोआत वाबस्ता कर ली हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शकील जाहिद मौजूद हैं अदाकार हुमायूं सईद के साथ। उनसे जानते हैं कि अदाकार हुमायूं सईद के क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, क्या एहसासात हैं। शकील जाहिद, बताइएगा हुमायूं सईद का क्या कहना है नए पाकिस्तान के हवाले से। जी, मुल्क में तब्दीली आ चुकी है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं। फ़नकार उनके हवाले से क्या कहते हैं, हमारे मुल्क के मारूफ अदाकार हुमायूं सईद इस वक्त मौजूद हैं। तब्दीली आ चुकी है और फ़नकार की तवक्कोआत उनके हवाले से क्या हैं, हम इनसे जानते हैं। जी जी, हमें बहुत खुशी है कि इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह इमरान खान साहब ने वो वज़ीर आज़म क्यों बने और किस तरह बने, वो इसी तरह बने कि उन्होंने मुल्क के लिए काम किया। जो वो क्रिकेट खेलते थे उसमें उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से किया काम किया, वो खेले और मुल्क को वर्ल्ड कप दिलाया और उसके बाद फिर उन्होंने मुल्क के लिए गरीब लोगों के लिए काम किया, कैंसर हॉस्पिटल बनाया जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश की और फिर अपनी मेहनत करके और ईमानदारी से आगे बढ़े, लड़ते रहे और आज हम इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। तो बेसिकली इमरान खान एक रोल मॉडल हैं। जो इमरान खान को हमसे क्या चाहिए अब कि हमारी अब क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तानी कि हम भी उसी ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी से करें, गलत काम ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, कानून को ना तोड़ें। तो ख़ुद ब खुद हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा तो अब इमरान खान का नाम रोशन होगा साथ साथ, क्योंकि इमरान खान तो अच्छा करेंगे ही इस मुल्क के लिए इंशाल्लाह। और हाँ, हमें बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इमरान खान का साथ दें अच्छे काम करके। तब्दीली आ चुकी है लेकिन हमें अपने अंदर भी तब्दीली लानी है, हुमायूं सईद का यही कहना है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से क्या करना चाहिए या फनकारों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उनको जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को के सामने अभी बहुत से चैलेंजेस हैं मुल्क को सुधारने के लिए, तो अभी वो उसमें लगे हुए। लेकिन यस, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरह मुल्क के लिए अच्छा करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा ही करेंगे। जिस तरह मुल्क के लिए अच्छा करेंगे इसी तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा करेंगे, फनकारों के लिए भी अच्छा करेंगे, तमाम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शकील जाहिद, आप हमें हुमायूं सईद के तासुरात से आगाह कर रहे थे।